क्या करूं, कैसे बताऊं? जब भी बताने का प्रयास करती हूं, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। अब यहाँ ये दासी साथ है। प्रणाम महाराज। आइए महाराज। स्वर्ग के अप्सराओं से भी सुंदर स्त्री एक वानर के साथ शोभा नहीं देती। तुम्हारा पीछा करते करते तो मैं राजभवन से यहाँ तक आ गया सुंदरी। अब तुम मेरे साथ जाओगी, ले जाऊंगा मैं तुम्हें। ओ, वो देखो पक्षी। क्या हुआ मित्र हनुमान? वो देखो, हम सब तो उल्लास में हैं। लगता है तुम ही किसी चिंता में डूबे हुए हो। तुम सत्य कह रहे हो, मुझे संकट का आभास हुआ है। मुझे एक बार सुमेरु की सीमाओं का निरीक्षण करना होगा। ऐसा है तो अवश्य सीमाओं का निरीक्षण करना चाहिए। कुछ ज्ञान मुझसे भी ले लो मित्रों। कुल देवी के मंदिर की ओर तो सब सुरक्षित होगा, वहाँ तो सैनिक है ही। हम पहले नदी की ओर देखेंगे। चलो नदी की ओर। माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से मेरा राज्य, प्रजा और मेरा परिवार सकुशल है। आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। प्रिय, आज हम स्तुति गाकर मां का आभार प्रकट करेंगे। तुम स्तुति गाओ। हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूँ। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे।
मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तो आप ही हैं। बस आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। स्वामी, माँ के मंदिर में देवी माँ के सामने कुछ बताना चाहती हूँ आपको। हाँ हाँ अंजना, कहो। मुझे भी लग रहा था कुछ बात तो है जिसने तुम्हें विचलित कर रखा है। कहो क्या बात है। गाना क्यों बंद कर दिया सुंदरी? जितनी सुंदर तुम्हारी काया है उतने ही मधुर तुम्हारे सुर, जैसे कोई अप्सरा गा रही हो। सब स्थानों पर देख लिया मित्र, कहीं कोई संकट के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है मुझे भ्रम हुआ है। इतने सारे चमगादड़, वो भी इतने सारे। आश्चर्य है, ये चमगादड़ एक ही झुंड में और एक ही दिशा में उड़ रहे हैं। और सुमेरु में पहले कभी इतने सारे चमगादड़ देखे ही नहीं गए हैं। लगता है फिर कोई नया संकट सुमेरु पर आने वाला है। चलो अभी हम चलते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं मित्र। मुझे पता है कुछ तो है जो तुम्हें विचलित कर रहा है, और ऐसे में मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता मित्र। तुम सत्य कह रहे हो, एकता में ही शक्ति होती है। हमें उन चमगादड़ों का पीछा करना चाहिए, यही उचित होगा। हाँ, चलो पीछा करते हैं।